स्वागत है। यूपी के अंबेडकर नगर से खबर है। यहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ टांडा बसहारी हाईवे मार्ग पर धुरैरा गांव के पास हुई, जहां एसओजी टीम और बदमाशों में फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में 1.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश लईक अहमद घायल हो गया। पुलिस ने लईक अहमद उसके बाद उसके एक साथी को भी दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों से एक मोटरसाइकिल और बैग के साथ ही 20 लाख रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्त में आए बदमाश कलीम से पूछताछ शुरू कर दी है। इसमें एक अपराधी घायल हुआ है, जिसके 2 गोलियां लगी हैं, एक उसके पैर में लगी है और एक उसके कंधे के पास बाजू में लगी है। उस मुठभेड़ में प्रभारी निरीक्षक टांडा को भी गोली लगी है पैर में, वो भी घायल हुए हैं। मौके पे जो बरामदगी है वो एक मोटरसाइकिल है पल्सर काले रंग की, जिसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है और इसका अभियुक्त का एक साथी पकड़ा गया है। पकड़े गए अभियुक्त ने अपना नाम लईक बताया है, जो जिसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का इनाम लखनऊ से है और ये पिछले कई सालों से 2005 से कानपुर में इसने एक लूट की थी 20 लाख रुपए की, तब से ये मफरूर चल रहा है, फरार चल रहा है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे अंबेडकर नगर से हमारे सहयोगी काशी मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशी, इस पूछताछ में क्या कुछ निकल के सामने आया है? पिछले कुछ गुनाहों का पता चल पाया है, क्योंकि 2 लोगों को पकड़ा गया, एक कलीम और एक लईक अहमद। जी, आपको बता दें प्रभात जी कि 8 महीने पूर्व टांडा आईसीआई बैंक में हुई लूट में ये मुख्य अभियुक्त रहा। लईका जो है वो मुख्य अभियुक्त रहा और अभी अभी मौके पर पूछताछ जारी है, अभी विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है। काशी, फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या इनसे बरामदगी हुई है 20 लाख रुपए के अलावा? क्या पूछताछ में और भी कुछ चीजें इनसे बरामद हुई हैं? बताया जा रहा है कि पहले कई मामलों में संदिग्ध चल रहा था और 1.5 लाख रुपए का अगर लईक पर इनाम था तो ये एक हार्डकोर अपराधी कहा जा सकता है। जी, इसके ऊपर 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख का इनामी बदमाश था जी, और ये 20 लाख रुपए इसके साथ बरामद हुए और एक पिस्टल और एक पल्सर ब्लैक कलर की जो इसके साथ बरामद हुए और इसके साथ एक साथी कलीम भी पकड़ा गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद काशी पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, इस अपराधी से पूछताछ की जा रही है, लईक अहमद और कलीम, ये 2 लोग बदमाश जो पकड़े गए हैं। इनसे एक पल्सर बाइक बरामद की गई है, 20 लाख रुपए इनसे बरामद की गई, एक पिस्टल इनसे बरामद की गई है। 1.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश लईक अहमद बताया जा रहा है, जिसने कई वारदात को पहले अंजाम दिया है।